हेलो फ्रेंड्स, सरकारी रोजगार यूट्यूब चैनल में आपका बहुत स्वागत। फ्रेंड्स, आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे हमारे एनुअली ऑल नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। तो प्यार से रोजगार विभाग हरियाणा के द्वारा 3 से 4 दिन हुए लगातार भत्ता मानदेय जारी किया जा रहा है। तो किस किस जिले का जारी किया गया है, इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूँ। तो आपने वीडियो को ज़्यादा शेयर करते रहना है ताकि हर सक्षम युवाओं को जानकारी मिल सके। तो प्यार से चलते हैं वीडियो पर। तो प्यारे साथियों, ये मैसेज भेजा गया था सक्षम युवा साथी जितने भी सोनीपत जिले के और गोहाना रोजगार करेले के हैं उनके पास ये मैसेज भेजा गया था। 8:10 पर मैसेज भेजा गया था ये शाम को, ठीक दोस्तों। तो ये देख सकते हैं आप, 29 अप्रैल 2022 को ये भत्ता जारी किया गया था ग्रेजुएशन वालों को। जी हाँ, तो जितने सक्षम युवा साथी हैं सोनीपत जिले के और गोहाना रोजगार करेले के, अगर आपके पास भत्ते का और मानदेय का मैसेज नहीं आया तो आपने अपनी बैंक पासबुक जरूर चेक करानी है, तभी पता चलेगा आपका जो भत्ता है आपके बैंक खाते में आया नहीं। प्यारे साथियों, ठीक दोस्तों, 1500 रुपये जो अलाउंस है सोनीपत जिले का और गोहाना रोजगार करेले के उनके बैंक खाते में क्रेडिट कर दिया गया था 29 अप्रैल 2022 को, ठीक दोस्तों। तो ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। नेक्स्ट जिले का भी क्रेडिट किया गया था, वो आपको मैं दिखा देता हूँ बाकी अदर जिलों का। और प्यारे साथियों, मैं आपको बता देता हूँ, फतेहाबाद जिले का प्लस टू वालों का 1 महीने का भत्ता क्रेडिट कर दिया गया था 29 अप्रैल 2022 को। जी हाँ, ठीक दोस्तों, फतेहाबाद जिले के जितने सक्षम साथी हैं प्लस टू वाले, ठीक दोस्तों, उनको 900 रुपये जो अलाउंस मिलता है 1 महीने का जो भत्ता है उनके बैंक खाते में क्रेडिट कर दिया गया था 29 अप्रैल 2022 को। ठीक दोस्तों, 29 अप्रैल को प्यारे साथियों सोनीपत जिले का और गोहाना राजगढ़ करेले का और फतेहाबाद जिले का क्रेडिट कर दिया गया था, बाकी अदर जिलों का भी क्रेडिट किया हुआ है। तो आपने अपनी बैंक पासबुक जरूर चेक करानी है, तभी पता चलेगा आपका जो भत्ता है आपके बैंक खाते में आया नहीं, ठीक दोस्तों। तो फतेहाबाद जिले का प्लस टू वाला का भत्ता क्रेडिट कर दिया गया था 29 अप्रैल 2022 को। बाकी अदर जिले का क्या गया वो आपको मैं बता देता हूँ। इसके बाद जो प्यारे साथियों, हिसार जिले का जो प्लस टू वालों का 2 महीने का भत्ता और 2 महीने की सैलरी क्रेडिट कर दी गई थी 28 अप्रैल 2022 को। जी हाँ, आप देख सकते हैं 900 रुपये जो अलाउंस मिलता है ये क्रेडिट कर दिया गया था 2 महीने का भत्ता जितने सक्षम साथी हिसार जिले के प्लस टू वाले। अगर आपके पास भत्ते का मैसेज नहीं आया तो आपने अपनी बैंक पासबुक जरूर चेक करानी है, तभी पता चलेगा आपका जो भत्ता है आपके बैंक खाते में आया नहीं। प्यारे साथियों, आप देख सकते हैं 28 अप्रैल 2022 को है 2 महीने का भत्ता क्रेडिट कर दिया गया था हिसार जिले का प्लस टू वालों का, ठीक दोस्तों। और भी अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, पीजीटी वालों को भी क्रेडिट कर दिया गया था हिसार जिले को, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ, वो भी मैसेज आया था। ये आप देख सकते हैं जितने भी सक्षम साथी हिसार जिले के पीजीटी वाले, उनका 28 अप्रैल 2022 को उनका भी 2 महीने का भत्ता और 2 महीने का मानदेय क्रेडिट कर दिया गया था उनके बैंक खाते में। देख सकते हैं 6000 रुपये की जो सैलरी मिलती है जिन भी सक्षम साथियों ने काम किया था, जिनके पास भी काम के मैसेज आए थे हिसार जिले के पीजीटी वाले, उनकी 2 महीने की सैलरी क्रेडिट कर दी गई और 2 महीने का भत्ता उनके बैंक खाते में क्रेडिट कर दिया है 28 अप्रैल 2022 को। आप देख सकते हैं 3000 रुपये जो अलाउंस मिलता है पीजीटी वालों को, उनके बैंक खाते में 2 महीने का भत्ता क्रेडिट कर दिया गया था रोजगार विभाग हरियाणा के द्वारा, ठीक दोस्तों। बाकी अदर जिले का क्रेडिट किया वो आपको मैं बता देता हूँ मैसेज के माध्यम से। और प्यार सत्यो, चरखी दादरी जिले का और करनाल जिले का 1 महीने का भत्ता और 1 महीने की सैलरी क्रेडिट कर दी थी ग्रेजुएशन वालों को। जी हाँ, 1500 रुपये जो अलाउंस मिलता है, ठीक दोस्तों, ग्रेजुएशन वालों का, इनका 1 महीने का भत्ता और 1 महीने का मानदेय क्रेडिट कर दिया है चरखी दादरी जिले का और करनाल जिले का 28 अप्रैल 2022 को। जी हाँ, तो जितने सक्षम साथी है करनाल जिले के और चरखी दादरी जिले के, उनका 28 अप्रैल 2022 को 1500 रुपये जो अलाउंस मिलता है उनका 1 महीने का भत्ता और 1 महीने की सैलरी क्रेडिट कर दी है उनके बैंक खाते में 28 अप्रैल 2022 को रोजगार विभाग हरियाणा द्वारा, ठीक दोस्तों। जिन भी सक्षम साथियों के पास मैसेज नहीं आया भत्ते का और मान देगा तो आपने अपनी बैंक पासबुक जरूर चेक करानी है, तभी पता चलेगा आपका जो भत्ता है आपके बैंक खाते में आया नहीं, ठीक दोस्तों। 28 अप्रैल 2022 को क्रेडिट कर दिया गया था करनाल जिले का और चरखी दादरी जिले का, ठीक दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट जिले पर। इसके बाद अपडेट आ रही है पैसे, कुरुक्षेत्र जिले का जो भत्ता है और मानदेय क्रेडिट कर दिया गया था ग्रेजुएशन वालों का। जी हाँ, 27 अप्रैल 2022 को क्रेडिट कर दिया गया था कुरुक्षेत्र जिले का, ठीक है दोस्तों। 2 महीने का भत्ता क्रेडिट कर दिया गया था ग्रेजुएशन वालों का और 1 महीने की सैलरी क्रेडिट कर दी थी कुरुक्षेत्र जिले की, ठीक दोस्तों। जितने सक्षम साथी कुरुक्षेत्र जिले के ग्रेजुएशन वाले, अगर आपके पास भत्ते का मैसेज नहीं आया तो आपने अपने बैंक पासबुक जरूर चेक करानी है, ठीक दोस्तों। ये कुरुक्षेत्र जिले का क्रेडिट कर दिया गया था 27 अप्रैल 2022 को, ठीक दोस्तों, ग्रेजुएशन वालों का 2 महीने का भत्ता और 1 महीने की सैलरी। अब चलते हैं नेक्स्ट जिले पर, ठीक दोस्तों। ये क्रेडिट कर दिया गया था पैसे 26 अप्रैल 2022 को झज्जर जिले का प्लस टू वालों का 2 महीने का भत्ता क्रेडिट कर दिया गया था। जितने सक्षम साथी झज्जर जिले के प्लस टू वाले, उनका 2 महीने का भत्ता क्रेडिट कर दिया गया था 26 अप्रैल 2022 को, ठीक दोस्तों। तो ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी पैर साथियों। 3 से 4 दिन हुए लगातार भत्ता क्रेडिट किया जा रहा है रोजगार विभाग हरियाणा के द्वारा, ठीक दोस्तों।
तो ये झज्जर जिले का प्लस टू वालों को 2 महीने का भत्ता क्रेडिट कर दिया था। जिन भी शख्सों साथियों के पास मैसेज नहीं आया है तो आपने अपनी बैंक पासबुक जरूर चेक करवानी है, तभी पता चलेगा आपका जो भत्ता है आपके बैंक खाते में आया नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। बाकी अगर जिले का क्रेडिट किया जाएगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से जरूर बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा शेयर करते रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।